कहते हैं जब तन्हाई का शोर सताने लगे तो सफ़र करो, और अगर सफ़र अनजान रास्तों का हो तो सफ़र का मज़ा दोबाला हो जाता है। मुल्तान में जून में शिद्दत की गर्मी पड़ती है, लेकिन आजकल बारिशों की वजह से मौसम काफ़ी खुशगवार है और ये हर रोज़ नहीं होता। जून की एक ठंडी शाम को मैंने सफ़र का इरादा किया। ठंडे मौसम का फ़ायदा उठाकर मुल्तान के मज़ाफात देखने निकल गया। सफ़र के शुरू में ही एक ऐसी नहर से वास्ता पड़ा जिसको इंसानों ने बहने से रोका हुआ था। ये देखकर दिल दुखी हुआ, लेकिन दुखी दिल के साथ सफ़र जारी रखा। नॉर्दर्न बाईपास से नवाबपुर जाने वाली सड़क पर टर्न लिया, जहां एक तरफ आमों के बागात और दूसरी तरफ रवान नहर ने मुझे खुशामदीद कहा। आमों के इन घने बागों में भी किसी डिवेलपर ने प्लाट बेचना शुरू कर रखे थे और बागों की कटाई का सिलसिला जारी था। न जाने क्यों ऐसा लग रहा था कि ये बागात भी बहुत तन्हा है, और ये तो मेरी तरह सफ़र भी नहीं कर सकते। लेकिन वो भी अपनी कहानियाँ सुनाते हैं उस नहर को जो उनके साथ बहती है और कई दहाइयों से इन बागों को सैराब करती आ रही है। इस नहर में मेरी मुलाकात एक कव्वे और मीना से भी हुई, जो इन बागों की कटाई की वजह से अपनी नस्लों के मुस्तकबिल के लिए परेशान नजर आए। नहर के किनारे आबाद एक गुलहरी ने भी अपनी रौदात सुनाई, जो कुछ अरसा पहले तक घरों में नजर आती थी, मगर शहरों में दरख्त की अदम मौजूदगी ने उसे अब सिर्फ यहाँ महदूद कर दिया था। आगे चला तो दो पपी नजर आए, वो भी इंसानों से नाराज थे और बताया कि उनके बहुत से कजन शहरों में गाड़ियों के नीचे आकर मर चुके हैं, इसलिए ये दोनों अब यहाँ रहते हैं। मैंने इन सब को ये तसल्ली देते हुए अपना सफर जारी रखा कि उनकी कहानियां मैं इंसानों तक जरूर पहुंचाऊंगा। आगे चलकर झूलते हुए कुछ आमों से मुलाकात हो गई, जो कुछ ही अरसा में पककर हमारे घरों में पहुंचने वाले हैं, और कुछ तो पक भी चुके थे जिनको गाड़ियों में लादा जा रहा था। ये सब कहानियां समेट कर मैं वापसी की राह लेने ही लगा था कि इस खूबसूरत नहर ने मुझे उठाकर अपने ऊपर बने एक पुल पर खड़ा कर दिया और कहा कि देखो ये नज़ारे, देखो मैंने किस तरह इंसानियत को अपने अंदर बसाया हुआ है, और आज से नहीं बल्कि मेरे पानियों ने हजारों सालों से इंसानी आबादियों को दिल में आबाद रखा हुआ है, वो चाहे कदीम मोहिंजोदड़ो का शहर हो या आजकल की नवाबपुर बस्ती। मैंने तो इनके लिए कभी अपना दिल तंग नहीं किया, फिर तुम लोग क्यों मेरे रास्ते तंग करते हो? क्या तुम लोग जानते नहीं मैं पूरा इकोसिस्टम बैलेंस रखती हूँ, हर किसी की ज़रूरत पूरी करती हूँ, तुम्हारी फसलों को सैराब करती हूँ और तुम्हारी आबादियों को कहत ज़दा होने से बचाती हूँ। इतना कुछ करने के बावजूद जब मैं तुम्हारे शहरों से गुजरती हूँ तो तुम मेरे अंदर जहरीले मवाद और कचरा शामिल कर देते हो और मेरे रास्ते तंग कर देते हो। यही वजह है कि बारिश के दिनों में तुम्हारा पूरा शहर नहर नदी बन जाता है, तुम्हें बार बार याद दिलाता है कि आबी गुजरगाहों को आबाद रखो, वो तुम्हें आबाद रखेंगी, लेकिन तुम समझते नहीं। मगर याद रखो, मैं कोई आम का पेड़ नहीं जिसको तुम काट फेंकोगे तो चुपचाप बर्दाश्त कर लूँगी, मुझे अगर रोकोगे तो मैं सैलाब बनकर सामने आऊँगी। इससे पहले कि नहर मुझे मजीद कुछ कहती, मैंने वापसी का राह देखा और दौड़ लगा दी। इसकी किसी बात का मेरे पास कोई जवाब न था।